नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर और जिले में अवैध शराब का धंधा किस स्तर पर चल रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण विदिशा में पकड़े गए एक युवक और उसके साथ मौजूद 12 साल के बच्चे के पास से अवैध शराब मिलने से लगाया जा सकता है। आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना और ठेकेदार की जानकारी के आधार पर विदिशा हासुआ मार्ग पर ग्राम चिरोरिया के नज़दीक अजय नामक युवक को पकड़ा। अजय के साथ 12 वर्षीय एक बालक भी मौजूद था। अजय के पास एक सफ़ेद प्लास्टिक की बोरी थी जिसमें 50 देसी मदिरा के क्वार्टर थे। जब्त कर कार्रवाई की गई। तो दारू कहाँ से आई तुम्हारे पास? सर, रायसेन से लेकर आया था भैया। वो एक भैया आते हैं मेरे इधर, राय प्रो स्कूल के आ गए आते हैं। वो कलारी पुरानी करा ली है ना, उधर बोलते हैं तू माल पटक करा ली जाए इधर, मैं उठा ले जाऊँगा, पैसे दे देते हैं मुझे 200। नाम क्या है वो भैया का? उसका विशाल नाम है। मोबाइल नंबर कुछ है तेरे पास उनका? नहीं सर, मुझे नहीं पता। सामने आएगा पहचान लेगा? अचानक ही आता। हाँ, सामने आएगा पहचान। कब से मैच रहा हो? सर मुझे ये मेरा दूसरा राउंड था। अच्छा, कहाँ से लाते हो दारू? अभी कितनी लाए थे? सर 50 पाउडर। बस एक बोरी में, एक प्लास्टिक की बोरी में 50 पाउड देसी प्लेन मदरा के थे, जो विदिशा जिले में बेचने के लिए नहीं है। यहाँ पे वो प्रतिबंधित है क्योंकि वो उस पर बाहर से रायसेन जिला लिखा रहता है उस पर, इसलिए वो यहाँ के लिए प्रतिबंधित है। और ये अवैध रूप से विदिशा जिले के किसी गाँव से लेके आ रहा था और इसी सूचना के आधार पर इसको पकड़ा गया है। सर, एक चीज़ अगर देखा गया कि बच्चे नाबालिग हैं इसमें और इस तरीके का काम चल रहा है जिले में नाबालिग बच्चों द्वारा, तो नाबालिग बच्चों को भी जो भी वैधानिक कार्रवाई कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा रहता इनको। राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट।